स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर ऑफ सोशल स्टडीज, दैट इज हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5, अ जर्नी टुवर्ड्स कल्चरल एसिमिलेशन. सो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पैराग्राफ. द टॉम्स बिल्ट बाय देम विद सेंट्रल टॉवरिंग डॉम एंड टॉल गेटवे बिकेम अ यूनिक फीचर. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल वॉज द हिमायूस टॉम एंड इट रीच्ड इट क्लाइमेक्स इन द मैग्निफिसेंट ताजमहल. तो ये जो टॉम है, जो मकबरा है, ये बनाया गया था, सेंट्रल टावरिंग गुंबद है ये, जो बहुत ही ऊंचा है, टॉल है, लंबा है, गेटवे टॉल गेटवे है, और ये बनाया गया था एक यूनिक फीचर्स इसको कहा गया था. तो ये पहला एग्जांपल है स्टाइल का जो हिमायूं मकबरे के नाम से जाना गया था. एंड इसके बाद जो ये एक क्लाइमेक्स पर पहुंचा, एक बहुत ही उम्दा जो है एक बिल्डिंग बनाई गई, ताजमहल. न्यू इंजीनियरिंग एंड पेंटिंग स्टाइल्स, यानी कि जो नए इंजीनियर्स और जो नया पेंटिंग स्टाइल अपनाया उसके बारे में बताया गया है. फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वी फाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किस, जो आर्किस लगाए जाते थे टू गिव द सपोर्ट टू द सुपर structures above the doors and windows. The style was called arcuate. Another new technology introduced was the use of limestone cement of give strength to the buildings. When limestone cement was mixed with stone chips, hard and strong concentrate was formed. With such a hard material, large strong building like forts, पैलेसेस एंड टॉम्स कुड बी मेड. 12 यानी 12वीं शताब्दी जो थी उसमें हमने देखा कि जो बहुत सारी सुपर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे और उसके ऊपर डोर्स और विंडोज़ बनाई गई थी, और इस स्टाइल को जो है आर्क्यूएट कहा गया था. और जो नई टेक्नोलॉजी से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था उसमें लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ किया गया था, जो कि स्ट्रेंथ देता है बिल्डिंग्स को. उसके बाद जो जब लाइमस्टोन सीमेंट को मिक्स किया गया स्टोन चिप्स के साथ, जो कि काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेट बनता है, तो इसके साथ ही काफ़ी हार्ड मटेरियल्स था जो, और काफ़ी लार्ज और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बन पाई, जैसे कि किले, राजमहल और मकबरे इससे बनाए गए. अनदर इंजीनियरिंग स्किल इंट्रोड्यूस्ड वॉज द प्लेसमेंट of horizontal beams across two vertical columns. This engineering style was called terabit, and this style was used in the construction of temples, mosques and baulis or step wells. तो ये जो जो अलग दूसरे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक स्किल को इंट्रोड्यूस करवाया हॉरिजॉन्टल बीम्स को पार कर उन्होंने वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए, जो इंजीनियरिंग स्टाइल था ये, इसे टेराबीट्स कहा गया. और ये जो स्टाइल है वो मंदिरों को बनाने में और मकबरे और बाउलीज को बनाने में, कुएं बनाने में काम लिया जाता है इनका. द इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशंस रीच्ड एक्सेलेंस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, बट द थिंग्स बिगिन टू चेंज रैपिडली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब. अब जो भारतीय पेंटिंग की परंपरा थी वो बहुत ही अच्छी जगह पहुंचने वाली थी, एक अच्छे लेवल पर पहुंचने वाली थी मुगल समय काल में, लेकिन जो ये चीज़ थी जब इसको शुरू किया गया है तो इसे बहुत जल्दी से इसमें बदलाव आया औरंगजेब के क्षेत्र में उसके समय काल के दौरान में. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द नेबरिंग कोर्ट्स ऑफ राजपूताना एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस. As a result, Rajputana miniatures and Paheri miniatures were created, which were based on the local themes. अब मुगल एम्पायर का पतन होने के बाद जो बहुत सारे पेंटर्स थे वो मूव आउट कर गए थे जो हमारी पड़ोसी कोर्ट्स थे उधर और राजपूताना के, और साथ ही साथ जो हिमालयस में, राजपूताना और हिमालयस में वो चले गए थे. तो उसका रिजल्ट ये निकला कि राजपूताना मिनिएचर और पहेली मिनिएचर जो है क्रिएट हुआ और लोकल्स थीम के आधार पर. नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि भाषा और साहित्य. विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया इन द 10th सेंचुरी अ न्यू लैंग्वेज पर्शियन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया.
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द तुर्क्स अडॉप्टेड पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्शियन राइटर ऑफ द पीरियड वॉज आमिर खुसरो. खुसरो रोट अ नंबर ऑफ पोइट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग हिस्ट्रिकल रोमांसेस. भारत में जो है तुर्क के आने के साथ साथ ही 10वीं शताब्दी में जो है नई लैंग्वेज भी आई थी और पर्शियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया था तुर्क ने भारत में. और बहुत ही शुरुआत थी जब इस लैंग्वेज की, तो तुर्क ने पर्शियन लैंग्वेज को अपनाया था और उसके साहित्य को अपनाया था, वहाँ के प्रशासन को अपनाया था. और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्शियन राइटर हैं उस समय के, जैसे अमीर खुसरो, तो उन्होंने, अमीर खुसरो ने काफ़ी पोइट्स जो लिखी हैं, कविताएँ लिखी हैं, जो इतिहास में जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं रोमांस की, वो काफ़ी शामिल हैं. आमिर खुसरो रोट हिज पोएम्स मेनली इन पर्शियन बट आल्सो इन हिंदवी. ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ कव्वाली. ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन आल्सो. ही एनरिच्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बाय इंट्रोड्यूसिंग ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक. द इन्वेंशन ऑफ द तबला इज ऑल्सो एट्रिब्यूटेड टू हिम. अब यहाँ पर जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी ये पर्शियन में, और हिंदवी में भी उन्होंने पोएम्स लिखी थी, और जिसको कहा जाता था कव्वाली का फादर, फादर ऑफ कव्वाली ऐसा कहा जाता था. और उन्होंने काफ़ी सारे म्यूजिक्स जो हैं वो डिवोशनल बनाए हैं धार्मिक उस पर इंडियन सूफीज़ ने, और जिनको वो ग्रेट म्यूजिशियन भी थे हिंदू, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करवाया था ख्याल्स ने. और तराना ये म्यूजिक का स्टाइल है उनका, ख्याल और तराना. और इसकी जो खोज है तबला की, वो उन्होंने ही की थी. अलॉन्ग विद पर्शियन मैनी रीजनल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, बांग्ला एंड मराठी वर ऑल्सो डेवलपिंग. भक्ति पोएम वर कंपोज इन दीज रीजनल लैंग्वेजेस सो दैट दे कुड बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल. द मेन थीम ऑफ दिस पोएम वॉज लव एंड डिवोशन टूवर्ड्स गॉड. पर्शियन के साथ काफ़ी सारी क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, ये भी इनका भी सुधार हुआ. भक्ति पोएम जो है वो कंपोज की गई वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में और उसको समझा गया वहाँ के कॉमन जो सिंपल लोग थे, साधारण लोग, उनके द्वारा. और जो मेन थीम थी इस पोएम की, वो थी प्यार और त्याग, जो कि भगवान के तरफ था. पर्शियन लिटरेचर रीच्ड इज एक्सेलेंस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन. राइटर्स लाइक अबुल फजल रोट द अकबरनामा एंड आईने अकबरी इन पर्शियन. महाभारता वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन. अब यहाँ पर पर्शियन साहित्य जो था वो काफ़ी अच्छा था अकबर के क्षेत्र में, और जो राइटर्स थे अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था. महाभारत को भी बाद में ट्रांसलेट किया गया पर्शियन भाषा में. द मोस्ट नोटेबल हिंदी पोएट ऑफ दिस पीरियड वॉज तुलसीदास, हु रोट हिज फेमस वर्क रामचरित मानस इन अवधि, स्पोकन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. इन डक्कन मराठी लैंग्वेज डेवलप्ड एंड भक्ति सेंट लाइक एकनाथ एंड तुर्कम रोट इन दिस लैंग्वेज. इन केरला मलयालम डेवलप्ड एज अ लैंग्वेज ड्यू टू द राइटिंग्स ऑफ द सिख गुरुज पंजाबी टू फ्लरिश्ड. इस समय में जो हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा नोट किया गया था पोइट के द्वारा, और तुलसीदास ने, वो काफ़ी फेमस पोइट थे जिन्होंने रामचरित मानस अवध में लिखा था, अवधि लैंग्वेज में. और जो कि ये जो लैंग्वेज है वो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी. और दक्कनी मराठी लैंग्वेज जो है, जिसका सुधार हुआ काफ़ी, भक्ति जो संत थे जैसे कि एकनाथ और तुर्कम, जिन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा. केरला और मलयालम जो है भाषा का सुधार हुआ, और राइटिंग के वजह से, कारण से ही जो सिख गुरु पंजाबी जो है काफ़ी फली फूली थी. Thus, a very positive features of medieval India was the flowering of regional language and literature. बहुत ही positive features था इस समय का, medieval समय का. और जो India है वो काफ़ी जो language, जो क्षेत्रीय भाषा थी और साहित्य था, वो काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था. Music. Although orthodox Islam does not support music, the influence of Sufi ideas in which music is an important part led to the development of music in the medieval period.
मैनी मुस्लिम रूलर्स एंड नोबल्स पेट्रोनाइज्ड म्यूजिक. अमीर खुसरो, अ पोएट एंड म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कमेंटेड दैट म्यूजिक इन इंडिया इज द फिनेस्ट इन द वर्ल्ड. द तुर्क्स ब्रॉट विद देम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक रबाब एंड सारंगी. यद्यपि ऑर्थोडॉक्स जो थे, इस्लाम के जो थे, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे म्यूजिक को, लेकिन सूफी जो आइडियाज़ थे उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और जो कि म्यूज़िक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आगे डेवलप हुआ और मेडिवल समय में, तो काफ़ी मुस्लिम रूलर्स थे जो शासक थे और रईस थे, देशभक्ति म्यूज़िक उन्होंने पसंद किया. आमिर खुसरो जो एक पोएट हैं और एक म्यूजिशियन भी हैं इस अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट के, उन्होंने कमेंट किया म्यूज़िक पर भारत में कि भारत में जो म्यूज़िक है वो बहुत ही संसार का सबसे फिनेस्ट म्यूज़िक है. और द तुर्क ब्रॉट विद देम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक रबाब एंड सारंगी. ड्यूरिंग द मुगल्स रूल फेमस म्यूजिशन सच एज स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा प्रमोटेड म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया. न्यू राग्स, ताल्स, म्यूजिक फॉर्म्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. कर्नाटिक म्यूजिक फ्लरिश्ड इन साउथ इंडिया. दस टू क्लासिकल सिस्टम ऑफ म्यूजिक फ्लरिश्ड इन इंडिया, द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द कर्नाटिक म्यूजिक. मुगल रूल के दौरान में बहुत ही फेमस म्यूजिक बहुत फेमस हुआ था, जैसे स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, इन्होंने बहुत ही म्यूजिक को प्रमोट किया था नॉर्थ इंडिया में. नए नए राग्स, ताल्स, म्यूजिकल फॉर्म बनाई गई थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, इंट्रोड्यूस कराया था भारत में उसको. और कर्नाटिक म्यूजिक है जो काफ़ी फला फूला था साउथ इंडिया में और काफ़ी ज़ोर पकड़ा था, और जो टू क्लासिकल सिस्टम जो म्यूज़िक के थे वो भी काफ़ी फ्लरिश हुए थे भारत में. द हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक ये दोनों ही बहुत पॉपुलर रहे थे भारत में.